नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आने के बाद से पूर्वोत्तर की तरफ दिल्ली का ध्यान तेज हो गया है। दिल्ली सरकार पूर्वोत्तर की ओर न केवल ध्यान देने लगी है, बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए उसने बड़ी बड़ी परियोजनाएं उद्घाटित की हैं, लोकार्पित की हैं। अब तो पूर्वोत्तर में परियोजनाओं के शिलान्यास का दौर ही खत्म हो गया है, फिर भी केंद्र सरकार यह मानती है कि पूर्वोत्तर में विकास की संभावनाएं बहुत हैं, बहुत काम किया जाना बाकी है। सबसे लंबे पुल के बाद हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग वहां के जनता को लोकार्पित की है, यानी उस सुरंग का उपयोग अब जनता कर सकेगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में है, का नाम है सेला सुरंग परियोजना। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस परियोजना की क्या क्या खूबियां हैं। सेला सुरंग परियोजना में दो सुरंगें और एक संपर्क सड़क शामिल है। यह लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत पर सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाई गई है। तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित डबल लेन सेला सुरंग परियोजना तेजपुर और तवांग के बीच यात्रा के समय को एक घंटे से अधिक कम कर देगी। इसमें दो सुरंगें या ट्यूब हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर है। साथ ही 8.6 किलोमीटर लंबी अप्रोच और लिंक रोड भी है। T2 ट्यूब सबसे लंबी है, जो 1595 मीटर तक फैली हुई है। इसके समानांतर 1584.38 मीटर लंबी एक दूसरी सुरंग भी है। यह सुरंग सक्रिय है, लेकिन अगर किसी आपातकाल में सुरंग ढहती है तो भागने के लिए इस सक्रिय सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दोनों सुरंगें वेंटिलेशन सिस्टम, मजबूत प्रकाश व्यवस्था और अग्निशमन तंत्र से सुसज्जित हैं। सेला सुरंग रोजाना 3,000 कारों और 2,000 ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने की क्षमता रखती है। सभी सैन्य वाहनों को समायोजित करने के लिए सुरंग की ऊंचाई और चौड़ाई पर्याप्त रूप से अधिक है। सेला सुरंग परियोजना के निर्माण के लिए सन 2021 में पहला विस्फोट किया गया था। दूसरा विस्फोट जनवरी 2022 में किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिस पर चीन लंबे समय से अपना दावा करता रहा है। सेला सुरंग से सैन्य कर्मियों और उपकरण के लिए पूरे साल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब के क्षेत्रों में जाना आसान हो जाएगा। इस सुरंग से असम के मैदानी इलाकों में 4 कोर मुख्यालय से तवांग तक सैनिकों और तोपखाने बंदूकों सहित भारी हथियारों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित हो सकेगी, जिसके चलते किसी भी आपातकाल स्थिति से तुरंत निपटा जा सकेगा। यह सुरंग अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी को 12 किलोमीटर कम कर देती है, यानी साफ है कि इस दूरी को तय करने में 1.5 घंटे से अधिक का समय बचेगा। अब सरकार ने तवांग तक आवाजाही आसान बना दी है। तय है कि अब ज़्यादा लोग तवांग जाएंगे, तवांग पर नजर रख सकेंगे और तवांग तक किसी भी आपात स्थिति में पहुंचना आसान हो सकेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।